टाइम्स पंजाब द्वारा दिखाई खबर का हुआ असर। जिस तरह हमने आपको दिखाया था कि पखोवर रोड के निकट बने पुल पर स्टंटबाजी करते हैं युवक, करीब 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार ट्रेन को हाथ लगाने की कोशिश में कूदते हैं युवक। तेज गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ युवक अपनी जान पर खेल जाते हैं। जब हमने इस खबर को प्रकाशित किया तो फिर रेलवे पुलिस हरकत में आई और ऐसे कई युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया और इन पर मामला भी दर्ज किया। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन लगी थी कि कुछ लड़के हैं जो गिल नहर पर स्टंट करते हैं, और स्टंट में क्या है कि ये लोग रेलवे लाइन पे खड़े होते हैं और शर्त लगाते हैं कि जो ट्रेन निकलेगी उस चलती हुई ट्रेन को हाथ लगा करके जो कूदेगा वो शर्त जीतेगा। इस मामले में ये पैसे भी लगाते हैं, और जब हमें ये सूचना मिली तब हम लोगों ने अपनी एक स्पेशल टीम बनाई और उस स्पेशल टीम को लीड किया हमारे सब इंस्पेक्टर हैं हरविंदर सिंह, और वो आज जब नहर पे गए तो उन्होंने देखा कि काफ़ी लोग जो करीब 20 से 25 साल की उम्र के लड़के थे, उसमें करीब 30 साल तक भी लड़के थे, वो रेलवे ट्रैक पे खड़े हुए और जब ट्रेन की इंतज़ार कर रहे थे और जब ट्रेन निकल रही थी बहुत तेज़ गति से तो वो उसको हाथ लगा करके नहर में कूद रहे थे। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ।